शुक्रवार को बठिंडा के माल गोदाम रोड के बोरी में बंद एक नौजवान की लाश मिलने तो बाद इलाके में दहशत वाला माहौल पैदा हो गया। लाश को पुलिस ने कब्जे में ला के मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मुताबिक नौजवान का गला घुट के कतल किया गया है। नौजवान की हाले पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लैके पोस्टमार्टम लिए हस्पताल भेज दिता है। मामले की अगली जांच की जा रही है। यह सानू 6:30 बजे पता लग्या कि सहारा के दफ्तर फोन आया कि एक माल गोदाम रोड के गट्टे के कोई डेड बॉडी तरह कोई चीज़ लग रही है। जो असी उरे आके देखा कि वो एक इंसान की डेड बॉडी सी जिहदी उम्र 25 से 30 साल के बीच हैगी है, जिदे के गल ते निशान ने पर हजे उहदी कोई शनाख्त नहीं हो सकी। अज एक सहारा क्लब वाले नूं किसी का फोन गया सी कि डेड बॉडी पई आ धर्मशाला लागे, तो वो उस तों बाद उन्होंने वेख्या इहनूं आ गए, तो इस तों बाद इहनूं थाने कोतवाली फोन किया। एस एच ओ हरबंस सिंह ने आगे सारा चैक किया, इतने एक बोरी में डेड बॉडी मिली है। अणपछाता व्यक्ति है, जिदा कोई वगैरह डाकूमेंट उसकी जेब चो कोई बटुआ या कोई आइडेंटी कार्ड वगैरह नहीं मिले, और 25-26 साल के बंदे की डेड बॉडी है, तो गल घुट के मारा लगता। असं मर्डर का परचा दर्ज कर रहे हैं, उस वक्त तफ्तीश जो सामने आऊगा सारा।